नमस्कार, मैं मनीष पांडे, आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। आज की यह खबर लिबरल आर्ट्स के बारे में, यह रिपोर्ट तैयार की हमारी टीम मेंबर सुरभि शाह ने। लिबरल आर्ट्स शिक्षा क्या है? लिबरल कोर्स और भारत का पुराना नाता है। भारत में लिबरल कोर्स की पढ़ाई वस्तु पहले से ही चलती आई है। प्राचीन काल में भारत में चलने वाले गुरुकुल इसी पद्धति से शिक्षा प्रदान करते रहे हैं, इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसकी परिभाषा और उपयोगिता। लिबरल कोर्स क्या है? ऐसा पाठ्यक्रम जो कला, विज्ञान और वाणिज्य सभी प्रकार का ज्ञान दे, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास करने में सहायता करे, अर्थात एजुकेशन की ऐसी फिलॉसफी जो किसी व्यक्ति को नॉलेज और ट्रांसफरेबल स्किल और वैल्यूज, एथिक्स और सिविक मैनेजमेंट की मजबूत समझ से विकसित करने में योगदान देती है। इस पाठ्यक्रम की खासियत है कि यह अहम मुद्दों को चुनौतीपूर्ण तरीके से सामना करने के लिए व्यक्ति के ज्ञान और कौशल को बहुआयामी करती है। इस कारण यह किसी खास कोर्स या स्टडी से इतर स्टडी की तरह है। ऐसा कोर्स कहाँ चलता है? ऐसा कोर्स विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ भारत के कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भी करा रहे हैं। इसकी अवधि 4 वर्ष की होती है और उसको स्नातक उपाधि की तरह कहा जाता है या होता है। संस्थान में जो भारत में लिबरल कोर्स कराते हैं, भारत में लिबरल कोर्स कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में हैं सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, दूसरा है जिंदल स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, APJ सत्या यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन फॉर लिबरल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन IIM इंदौर, OP जिंदल यूनिवर्सिटी और अशोका यूनिवर्सिटी, ये कोर्स कराने में प्रमुख हैं। लिबरल कोर्स के पाठ्यक्रम के विषय क्या है? इस कोर्स के स्नातक की उपाधि प्राप्त करने की अवधि 4 वर्ष की है। इसमें विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय और कोर्स की अवधि इस प्रकार से है। सबसे पहले आती है भाषा, साहित्य, कला, मानविकी, व्यवसाय, वाणिज्य, इतिहास और भौतिकी आदि पढ़ाए जाते हैं। स्नातक के लिए प्रथम 2 वर्ष में सामान्य पाठ्यक्रम है और अंतिम के 2 वर्ष के लिए स्पेशलाइजेशन का सिस्टम है। भारत में इसका भविष्य क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। भारत में इसका भविष्य यह है कि स्टारबक्स, यूट्यूब, HBO और वॉल्ट डिज्नी जैसे बड़े बड़े ब्रांड को इन सभी लिबरल आर्ट्स ने अध्ययन कराया है। इसको बनाने वाले लोग इन लिबरल यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। साथ ही वैश्विक स्तर के कई संस्थानों के पास भी CEO स्तर के अधिकारी इसी कोर्स के स्नातक हैं। ऐसे भारत में भी निजीकरण और औद्योगिकरण का विकास अपने चरम पर है, जिसके कारण इस कोर्स का भारत में सुनहरा भविष्य है। अब इसमें करियर निर्माण कैसे हो सकता है, आइए हम आपको बताते हैं। इस कोर्स के द्वारा कोई भी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर, व्याख्याता के रूप में करियर चुन सकता है। इसके अतिरिक्त न्याय क्षेत्र में सामुदायिक अधिवक्ता, मानविकी में लोक कल्याण कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया जगत में भी कैरियर के चयन के साथ साथ संस्थानों के प्रबंधकों के रूप में भी कैरियर चयन कर सकता है। कोर्स के बहुआयामी होने के कारण इसके कैरियर के आयास भी अधिक हैं। भारत में सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं सामान्यतः इसी पाठ्यक्रम की तरह होती हैं। सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, मानविकी, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि को समेटे हुए होती है। ऐसे में सरकारी सेवाओं में चयन का सुनहरा अवसर भी ये उपलब्ध कराती है। आज हमने बात की आपके साथ लिबरल आर्ट्स की और यह कोर्स क्या है, इसमें क्या क्या होता है। ये रिपोर्ट हमारी तैयार की हमारी टीम मेंबर सुरभि शाह ने। आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। ऐसे ही नए नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।